नमस्कार दोस्तों, मैं यौन ढकल आज आप लोगों को बिग बॉस ओटीटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। करण जौहर होस्ट करेंगे इस शो को। टीवी पर लॉन्च करने से 6 हफ्ते पहले इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर किया जाएगा। इंडियन टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस बूट ऐप पर शुरू हो रहा है। टीवी पर प्रीमियर करने से पहले इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम बिग बॉस ओटीटी होगा, जिसे फिल्म मेकर करण जौहर होस्ट करेंगे। तो आपको पता चल चुका है कि होस्ट करण जौहर करेंगे, लेकिन बिग बॉस सीजन 15 जो आएगा उसमें सलमान खान ही होस्ट करेंगे। तो आप बिग बॉस के घर में 24 घंटा आप अपने कंटेस्टेंट को देख सकेंगे। इसे ओटीटी पर बिग बॉस ओटीटी 8 अगस्त को वूट ऐप और वूट सिलेक्ट पर प्रीमियर होगा। इसका लॉन्च 8 तारीख को ठीक 8 बजे ही होगा। हर संडे या बूट ऐप पर 8 बजे ही टेलीकास्ट किया जाएगा और सोमवार और शनिवार इसकी टाइमिंग शाम के आपको 7 बजे से होगा रहेगा। अगर बिग बॉस ओटीटी को 24 घंटे देखना है तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, और आपको करंट एपिसोड भी देखना है इसके लिए भी आपको सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप आज का एपिसोड कल देखेंगे टेलीकास्ट में तो इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। तो बिग बॉस ओटीटी में 12 कंटेस्टेंट हिस्सा लेने वाली हैं, जिसका नाम और उनके बारे में डिटेल्स अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे नेहा वास्तव। इन्होंने लाइफ के तो लग गई में काम किया है, साथ ही में इनको झलक दिखला जाए में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला है। तो फिर करण नाथ, इन्होंने ये दिल आशिकाना 2002 में काम कर चुके हैं। समिता सेट्टी, इन्होंने मोहब्बतें फिल्म में 2000 में अपना डेब्यू किया था। ये शिल्पा सेट्टी की बहन है, ये हर कोई जानता है। रिधिमा पंडित, इन्होंने रजनी के कैरेक्टर बहू हमारी रजनीकांत में काम किया है। दिव्या अग्रवाल, ये रनर अप है एमटीवी स्प्लिट भिल्ला सीजन 10 की और विनर है एमटीवी एस ऑफ स्पेस सीजन 1 की। प्रतीक सिहोजपाल, ये ऑन स्क्रीन अपीयरेंस कर चुके हैं एमटीवी लव स्कूल सीजन 3 में। राकेश बोपट, ये एक्टर एंड मॉडल है, इन्होंने फिल्म तुम बिन में काम किया है। टेलीविजन शो भी इन्होंने बहुत से किए हैं। उर्फी जावेद, ये भी टीवी एक्ट्रेस है, इन्होंने अवनी का रोल किया है बड़े भैया की दुल्हनिया में। अंतरा सिंह, ये भोजपुरी एक्ट्रेस है, ये हाईएस्ट पेड भोजपुरी एक्ट्रेस है। और जिसान खान, बांग्लादेशी सिंगर और संग राइटर हैं, ये बांग्लादेश से हैं। नेहा मल्लिक, इन्होंने बहुत से म्यूजिक वीडियो में काम किया है, इन्होंने बहुत फैशन शो में पार्टिसिपेट भी किया है। और अंत में पवित्र लक्ष्मी, इन्होंने तमिल और मलयालम मूवी में काम किया है, ये 2016 में क्वीन ऑफ मद्रास भी बनी थी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।